हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो पर्सन 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं, हर पल हर वक्त आप जिनके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं, उस पर्सन के दिल में मन में 24 घंटे आपको लेकर क्या चलता रहता है, तो वो चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पर आपको अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर ज़रूर से रखना है, या जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं उनके ऊपर ज़रूर से रखना है, ताकि आप अपने आप को उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ और आपके डाउट्स क्लियर हो पाएँ। अगर बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता एंड ऑल, तो ऐसा ही होगा, लेकिन बेकार के कमेंट्स यहाँ पर नहीं करने हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कैंडल वैक्स रीडिंग से आप तभी अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं जब एक्चुअली में वो उन्हीं की एनर्जीज़ होती है, तो इसीलिए बार बार आपको बोला जाता है इस चीज़ को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं कि 24 घंटे इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर आखिर क्या चलता रहता है अब। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या चलता रहता है व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में 24 घंटे उनको लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, ये पर्सन ना डेफिनेटली आपके लिए अभी भी पहले की तरह ही पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, और उसी पैशन की वजह से 24 घंटे आप भी इनके दिल और दिमाग में चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन हर पल हर घड़ी आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जैसे दिल नहीं लगता हो आपके बिना। आपकी यादें, आपकी बातें, आपके थॉट्स, वो सब इन्हें आप ही का पीछा करने के लिए बार बार फोर्स करती हूँ। आपके लिए जो जुनून था, आपके लिए जो ये एक वक्त पे बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, पागल थे, वो इनके दिल और दिमाग में आज भी चलती रहती हैं। ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ना पहले भूल पाए ना अब भूल पा रहे हैं। इवन जैसे जैसे इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आपको इन्होंने खो दिया, आप इनसे दूर चले गए हो या आप अब मूव ऑन कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा पागल कर रही हैं आपके लिए, आपके साथ के लिए। आप फ्लेम को देख सकते हो, तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना 24 घंटे आपको मिस करते रहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपको इमेजिन करते रहते हो। इमेजिनेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे इस पर्सन की दिख रही है, और फ्लेम को आप देख रहे हो जैसे कि ये डांस कर रही है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि आपने कभी एक वक्त पे साथ में डांस करा हो, एंजॉय करा हो, या कोई डांस इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद आया हो, या इन्हें डांस बहुत करना पसंद हो, तो वो चीज़ें 24 घंटे इनके दिल और दिमाग में चलती रहती हैं कि कैसे आप डांस करते थे, एक दूसरे के साथ करते थे, तो वो है। तो जिस भी तरह से मतलब आप करते हो, यहाँ पर नंबर 6, 9 जून मंथ या सितंबर मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे रिलेट करता होगा। इनके मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि बिना आपके ना जैसे लाइफ बेकार हो गई है, आपके बिना दिल नहीं लग रहा है, आपके बिना सुकून नहीं मिल रहा है। वहाँ पर भी जैसे साइड में भी गए हैं तो भी बस आप ही की यादों की तरफ ये खिंचे चले गए हों, तो वो यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बस आप ही इनके बारे में सोचते हो, सोचते ये भी आपके बारे में 24 घंटे हैं। और जब जब इन्हें आपकी याद आती है तो इनका दिल उदास भी होता है, और इनका दिल ना जेलसी भी फील करता है। फ्लेम को आप देखते रहिएगा जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बीच में जैसे दूरियां हैं, तो इनके मन में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि शायद अब आप इन
आपके अलग किसी और के साथ रिश्ते में हो या आप अब इनसे दूर जा रहे हो, जा चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो वो चीज़ें इनके मन में 24 घंटे चलती है, यानी कि इनसिक्योरिटी आपको लेकर, पॉजिटिवनेस आपको लेकर ये है। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर हो सकता है इन्हें आपके मामले में गलत फहमियाँ भी हों कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सी लेटर भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा। इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि ये हार गए आपको, आपके साथ को, और जब जब इन्हें ये चीज़ें फील होती हैं कि आपको हार गए, तब तब इन्हें गुस्सा आता है क्योंकि हार इन्हें बर्दाश्त नहीं है, वो यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि तब तब इन्हें ऐसा लगता है कि ये कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इनके माइंड में कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि आप ना जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ताकि ये खुद से आपकी तरफ चलकर आए, ठीक है, आप या फिर आप इन्हें खुश नहीं देखना चाह रहे हो। तो किसी पॉइंट पर देखो इस पर्सन को आपके मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन ने कुछ गलत फहमियाँ पाल रखी हों, उन्हें सीने से लगा कर रख रखा हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि जैसे ना एक वक्त पे इन्होंने आपसे वॉक अवे कर लिया था, ठीक है, लेकिन वॉक अवे करने के बाद इनकी ज़िंदगी स्लो हो गई, एकदम कछुए की तरह इनकी ज़िंदगी हो गई। इन्हें वॉक अवे करते हुए, आपसे दूर जाते हुए ये लगा था कि अब बस ये भागेंगे, रेस में घोड़े की तरह भागेंगे, लेकिन ज़िंदगी जब इनकी ठहरी, जब इनकी ज़िंदगी स्लो हुई, तब इन्हें उस ज़िंदगी में, उस पड़ाव पर आपकी यादें आने लगी। तब इन्हें ये समझ में आया कि ये हार गए, ये यहाँ पर चलकर, यहाँ पर आगे बढ़कर ये फंस गए हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में, इनके दिल में 24 घंटे चलती हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि जैसे ये पर्सन जितना आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, उतना ज़्यादा ये आपसे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड भी कर रहे हैं। और उसकी वजह भी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि जैसे कि आप फेमस हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हो, और ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ से उसी मोटिव से, उसी इंटेंशन से गए थे कि ये अब ग्रोथ करेंगे, फेमस होंगे, लेकिन ये तो फेमस नहीं हुए, ये तो ग्रोथ नहीं कर पाए, लेकिन आपने डेफिनेटली वो ग्रोथ करी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्स दिखाई दे रहे हैं जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन आपका अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और वही कंपैरिजन कहीं ना कहीं ने जेलेसी फील करा रहा है, आपसे चिढ़ रहे हैं उसी चीज़ को लेकर, या पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को लेकर इनके यार दोस्त, इनके घर वाले कहीं ना कहीं ने चिढ़ाते हों, इन्हें टीज करते हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। एज इन कि आपने तो सीढ़ियाँ चढ़ ली, चढ़ने ये गए थे, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में सेट हो रहे हैं, तो इस तरह से इस रीज़न की वजह से ये पर्सन ना जेलेसी फील करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जेलेसी इस पर्सन के अंदर से नहीं आ रही है, कहीं और से आ रही है, या गलत फहमियाँ इनके अंदर नहीं है, ये कोई और इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपके साथ को लेकर ये गलत फहमियाँ डाल रहा है, ये यहाँ पर है। और जैसे आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो वो क्लियरिटी यहाँ पर नहीं हो रही है, वो सवालों में कन्वर्ट होती जा रही है, स्टकनेस में कन्वर्ट होती जा रही है, ये है। लेटर जे ओ पी के ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जैसे कि जिराफ जैसी एनर्जी, जिराफ की गर्दन जैसी एनर्जी, ये पर्सन हमेशा ऐसी एनर्जीज में रहना चाहते हैं कि ये सर उठाकर चलें, लोग इन्हें
कहीं ना कहीं उस तरह से मान और सम्मान दें, तो वो इनकी सोच है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि नीचे वाले लोग तो इन्हें सर उठाकर देख रहे हैं और ये नीचे वाले लोगों को सर झुकाकर देख रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सर ऊंची गर्दन वाले को भी अल्टीमेटली झुकना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है। बहुत सारे पेंटिकल्स यहाँ पर ऐसे बिखरे हुए दिख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी में से पैसा, ग्रोथ सब छीन लिया गया हो, सब बिखर कर रह गए हैं जिससे ये समेट नहीं पा रहे हैं। तो वो भी इनके दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं, यानी कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी स्लो मूव करते हुए यहाँ पर दिख रही है, जो इन्हें स्टक कर रही है, जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, ग्रोथ नहीं करने दे रही है, ये यहाँ पे है। लेटर ए वी डब्लू एम ये मुझे दिखाई दिए हैं। इनके दिमाग में या इनके दिल में 24 घंटे ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, सपोर्ट है, आप फेमस हो रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इन्हें भूल जाओगे या आप इन्हें भूल गए हो। तो जैसे आपसे कहना चाह रही हूँ कि इन्हें भूल मत जाना, हालांकि काफ़ी चीज़ों के लिए ये गुनहगार हैं लेकिन फिर भी तुम मुझे भूल मत जाना, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हो, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर है। इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें एहसास होती हैं कि मेरी लाइफ में जब तुम थे तब मैं खुश रह पाता था या पाती थी, और अब तुम मुझसे दूर जा रहे हो तो डेफिनेटली खुशियां भी मुझसे दूर जा रही हैं। तो उस चीज़ को लेकर इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी खुशियों के मामले में हार कर रह गए हैं, और आपसे कहना चाह रहे हो कि तुम मेरी खुशी थे और तुम मुझसे बस दूर मत जाओ, मेरे पास ही रहो, मेरे करीब ही रहो। तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी तो इस पर्सन की है, यानी कि ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें क्या जेस्चर आपको दिखाना चाहिए, क्या आपसे छुपाना चाहिए, और इसी रीज़न की वजह से कुछ और दिखा रहे हैं और कुछ और छुपा रहे हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया नंबर 6, उधर से देखेंगे तो ये नंबर 9 है, काफ़ी लोगों के लिए नंबर 3 भी हो सकता है, यानी कि मार्च मंथ। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 है यानी कि फरवरी मंथ, जो आपसे रिलेट करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर ओ लेटर है जो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन शुरुआत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, केयरलेसली चल तो रहे हैं लेकिन पागलों की तरह, ऐसे इनकी पता है आगे बहुत धक्के हैं, बहुत धोखे हैं, नेगेटिविटी है, फिर भी ये पर्सन उसी जगह पर चल रहे हैं, उसी जगह पर अटके पड़े हैं, ये एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, देखिए ये पर्सन रोते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने रोना छोड़ दिया है, आपको याद करना छोड़ दिया है, बेसिकली एक कोकोनट जैसी एनर्जीज दिख रही है कि बाहर से पत्थर बनकर दिखा रहे हैं और अंदर से ये है, एकदम मेल्ट हुए पड़े हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपके जाने का गम सता रहा है, तो वो यहाँ पर है। जैसे आपके जाने के गम की वजह से बहुत सैड सॉन्ग सुनते हो, इसकी पॉसिबिलिटी है, आप भी सुनते हो, लेकिन मैं इनकी बात कर रही हूँ तो ये डेफिनेटली सुनते हैं, क्योंकि इन्हें दिखाना आपको ये है कि ये स्ट्रांग है, ये नॉर्मल है, लेकिन दिल इनका बहुत परेशान है, ये यहाँ पर है। इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि जैसे आपके पास इनके दिल की चाबी है, ठीक है, ये चाबी की जैसी मुझे दिखाई दे रही है, और इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आपके पास क्योंकि वो चाबी है तो डेफिनेटली ये कैसे आगे मूव कर पाएंगे। तो मूव ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आज हम ड्राउजिंग से देखते हैं यस और नो में, यानी कि सवाल आपका होगा और उस सवाल का जवाब हाँ है या ना, वो चीज़ें आज हम ड्राउजिंग के माध्यम से देखेंगे। बस आप अपने मन में एक जेन्युइन सवाल पूछिएगा, चाहे इस रीडिंग के रिगार्ड हो या फिर कोई भी आपके मन में सवाल हो जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं, तो वो सोचना है। जिसमें मैंने आज यस रखा है यहाँ पर और नो है हमारा यहाँ पर, और देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है, हाँ है या ना। ठीक है, चलिए देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है व्यूअर्स के सवाल का जवाब, हाँ है या ना, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए।
देखिए आपके सवाल का जवाब यहाँ पे यस है, ये चीज़ें पता चलती हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपने जो भी सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब आपको जल्द मिल जाए। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए। माउंटेन, फायर गार्जियन, ओरेकल एंड ओवरऑल एनर्जी है ईगल। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बोली जा रही है कि आपकी तरफ कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिएगा क्योंकि वो आपके किसी भी तरह से काम आ सकती है, चाहे वो किसी भी वे में हो, और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको अपना नज़रिया बनाना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको उस अपने आप को पैशनेट करना है, या फिर ये कह सकते हो कि आपको स्टैंड लेना है। फिर चाहे वो इस पर्सन की तरफ से ये जेस्चर हो कि आपके साथ रहना चाहते हैं या ये आपके साथ नहीं रहना चाहते, दोनों ही सूरतों में आपको अपने आप को स्ट्रांग करना होगा और अपना फैसला आपको तुरंत ले लेना होगा, ये आपसे बोला जा रहा है। जो भी फैसला आप लोगे उस फैसले को आपको बहुत स्ट्रांग बनकर लेना होगा, एकदम पत्थर दिल बनकर लेना होगा, माउंटेन बनकर लेना होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये दिख रही है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही होगी वो पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं होगी, ठीक है। हालांकि जो आप चाहते हो वो चीज़ें हो तो रही होंगी लेकिन उस वे में, उस फॉर्म में नहीं होगी जिस वे में, जिस फॉर्म में आप चाहते हो। तो ये चीज़ें आपसे आज की इस रीडिंग में बताई जा रही है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि जो पर्सन आपके मन में, आपके दिल में 24 घंटे चलते रहते हैं, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।